नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत ही जल्दी आपके टेट और सी टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी, तो आपके लिए जो परिषदीय बुक्स हैं उनकी स्टडी करना बहुत आवश्यक है। उसी क्रम में आज हमारा कक्षा चार का हमारा परिवेश इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हमें अध्ययन करना आवश्यक है हमारी परीक्षाओं के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हमारा परिवेश और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। प्रथम पेज, ये हमारे किसी काम का नहीं है, प्राकथन किसी काम का नहीं, पेड़ पौधे किसी काम का नहीं, हमारा परिवेश ये किसी काम का नहीं है। शुरू करते हैं हमारे प्रथम अध्याय, हमारी पहचान हमारा परिवार। देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान उसका परिवार ही होता है और परिवार के माध्यम से ही उसकी पहचान होती है। तो उसकी इन्होंने समझाने का प्रयास किया है छात्रों को कि किस प्रकार परिवार के माध्यम से उसकी पहचान होती है और किस तरह वो परिवार में उस व्यक्ति को रहना चाहिए। इस अध्याय में कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, तो हमारे लिए परीक्षा के माध्यम के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखते हैं, इन्होंने दो प्रकार के परिवारों का वर्णन किया गया है। तरह तरह के परिवार में दो प्रकार का परिवार का वर्णन किया है। एक ऐसा परिवार है जिसमें व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हों, तो वह परिवार जो कहलाता है वो कहलाता है संयुक्त परिवार। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहेंगे। और एक ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति के सिर्फ माता पिता और उसके बहन भाई रहते हों, तो उस प्रकार के परिवार को कहेंगे हम एकाकी परिवार। यानी कि संयुक्त परिवार क्या हुआ, एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी लोग मिलजुल कर और उनके बच्चे सभी मिलजुल कर रहते हों, संयुक्त परिवार कहलाएगा। और एक ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति के सिर्फ माता और बहन भाई रहते हों, एकाकी परिवार कहलाएगा। उसमें कुछ विशेषता लिखी है, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते हैं, इसलिए इनके परिवारों की जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। एक ही परिवार में कम लोग होते हैं, उनके सदस्य की संख्या कम होती है। सही है, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब रहते हैं, जबकि एकाकी परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये दोनों परिवारों की पहचान है और उसके बाद हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, पूरा हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय पेशे और परिवार और व्यवसाय, ये आपका दूसरा अध्याय है। और इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि समाज में कितने प्रकार के कारीगर पाए जाते हैं। ठीक है, एक है फिर लकड़ी के कारीगर। लकड़ी के कारीगर जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से जैसे कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें बढ़ई कहते हैं और इस कार्य को बढ़ईगिरी कहते हैं, लकड़ी से बनाने वाले। उसके बाद मिट्टी से बनाने वाले जो कलाकार होते हैं, बर्तन बनाते हैं, दिए बनाते हैं, आपके गिलास बनाते हैं मिट्टी के, तो उन सबको हम जो बनाने वाले होते हैं उसे कुम्हार कहते हैं। ठीक, और जिस वो एक गोला गोला सा बर्तन सा रखा होता है जिसमें उसे चाक कहते हैं, जिस पर हमारे बर्तनों का निर्माण होता है। या कुछ महत्वपूर्ण है कि चाक चलाने के लिए जो डंडी होती है उसे चक्रेटी कहा जाता है। चाक घुमाने के लिए जो डंडी का यूज़ करते हैं कुम्हार, उसे चक्रेटी कहते हैं। और जिस गड्ढे में यह फंसाई जाती है उसे गुलबी कहा जाता है, उसे गुलबी कहा जाता है। ठीक है, चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। ये तो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में यूज़ भी करते हैं, कुंडी वर्ड का यूज़। तो कुंडी क्या होती है, जिस बर्तन में पानी रखा जाता है, जिस पात्र में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। और बर्तन की ठुकाई यानी कि उनको शेप देने के लिए जो ठुकाई की जाती है, जो औजार होता है, उसे थापा और पिंडी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, थापा और पिंडी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हालांकि अभी तक किसी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो लोग कपड़े सिलने का कार्य करते हैं उन्हें दर्जी कहा जाता है। और उनके कई सारे उपकरण होते हैं, कैंची, सिलाई मशीन, इंच टेप, सुविधा का बटन आदि। ठीक है, किसान जो खेती करते हैं, जो हमारे लिए फसल का वो उत्पादन करते हैं, उन्हें कृषक या खेतिहर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लोहे का काम करते हैं उन्हें लोहार कहा जाता है। और इनके जो उपकरण हैं वो छेनी, धोखनी आदि होते हैं। राजगीर जो मकान बनाने का कार्य करते हैं उन्हें राजगीर कहा जाता है। डॉक्टर
डॉक्टरों का तो इस समय बहुत समय चल रहा है बढ़िया वाला, खूब मरीज मिल रहे हैं। तो डॉक्टर जो थे जो हमारा इलाज करते हैं वे डॉक्टर कहलाते हैं, ये भी एक पेशा है। और जिस आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के गले में एक आला टाइप का पड़ा होता है, जिसे हम आला कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम स्टेथोस्कोप होता है। यानी कि स्टेथोस्कोप जो दिलों की धड़कन सुनने के काम आता है, आपके कई बार आपके सीने पर और पीठ पर रख कर देखते हैं डॉक्टर, उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने औजारों के नाम लिखे हैं। स्टेथोस्कोप किस काम आता है? दिल की धड़कन को सुनने के लिए काम आता है, इसका यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये दिल की जो धड़कन होती है उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है, तो क्लियर सुनाई देती है डॉक्टर्स के लिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा रक्तचाप मीटर, यानी कि जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापने का काम करता है, वो हमारा रक्तचाप मीटर होता है, रक्त के दबाव को नापने का काम करता है। स्टॉप वॉच होता है हमारी श्वसन दर को नापने के लिए, हमें सांस हम कितने एक मिनट में कितनी बार ले रहे हैं उसको नापने के लिए स्टॉप वॉच होता है। वजन मशीन हमारा वेट नापने के काम आती है। थर्मामीटर सभी घरों में होता है, शरीर का तापमान नापने का काम आता है। पट्टी, पट्टी हमारे शरीर के जो घाव होता है उसको बाहर के वातावरण से अलग करने के काम आती है। ठीक है, मोची, मोची जो हमारे जूते चप्पल को सही करता है या बनाता है उसको मोची कहते हैं। सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी जो हमारे घरों के आसपास के वातावरण को साफ करता है उसे सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फिर आता है कैसे बने घर। देखिए, घर बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए ये वातावरण से ठंड गर्मी धूप छाँव हवा इन सबसे रक्षा करता है, इसलिए घर बनाना आवश्यक है। घर बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो साफ सफाई के विशेष ध्यान देने के लिए घर से निकलने वाला कचरा कितने प्रकार का होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे घरों से अनुपयोगी होते हैं फेंक दिए जाते हैं, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अब इस अपशिष्ट पदार्थ को निकलने का हमारे लिए कचरा का जो निकाला उसका निस्तारण करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि दो प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, समूह एक और समूह दो। समूह एक में वो पदार्थ रखते हैं जो सड़ गल जाते हैं, समय के साथ सड़ गल जाते हैं, उन्हें समूह एक में रखते हैं। दूसरा वह रखते हैं वे पदार्थ जो समय के साथ सड़ते गलते नहीं हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक, कांच हैं, लोहे के अनुपयोगी सामान हैं। ये वो सामान होते हैं जो समय के साथ गलते नहीं है। इन्होंने एक प्रैक्टिकल करके बताया है कि एक मिट्टी ली, मिट्टी में हमने समूह एक और समूह दो अलग अलग दोनों गमलों में कुछ पदार्थ मिट्टी के अंदर छुपा दिए, और कुछ सालों बाद हमने निकाल कर देखा तो देखा कि समूह एक के जो पदार्थ हमने डाले थे उनका वो अवशेष भी नहीं बचा है, वो पूरी तरह गल चुके हैं और वह मिट्टी के लिए एक उपयोगी खाद की तरह कार्य करते हैं। जबकि समूह दो द्वारा जो पदार्थ थे पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक, कांच, ये यथावत वैसे के ही वैसे हैं। यानी कि अगर हम इसको वातावरण की दृष्टि से देखें तो समूह एक के पदार्थ जो हैं वो समय के साथ गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी के ही पार्ट बन जाते हैं, जबकि समूह दो यथावत वैसे ही रहता है समय के साथ। यानी कि समय समूह दो वाले जो पदार्थ हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे वातावरण के लिए। तो हमने कचरा प्रबंधन के लिए दो तरह के डस्टबिन का यूज करते हैं। डस्टबिन नंबर एक यानी कि जो नीले कलर का है, इसमें हम उन पदार्थों को जब डालते हैं जो गलते नहीं है समय के साथ, जैसे समूह दो के, और हरे रंग के जो डस्टबिन है इसमें हम उन पदार्थों को डालते हैं जो समूह एक के हों, यानी कि जो सड़ गल जाते हों। प्रश्न बन सकता है यहाँ का कि नीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है और हरे डस्टबिन का प्रयोग किस कारण कर रहे तो किया जाता है। तो हमें क्लियर हो चुका, इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो सड़ते गलते नहीं हैं, जो नीले वाले में हैं, इनका क्या किया जाए? तो इनको हम 4R के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करते हैं। 4R के माध्यम से क्या 4R क्या चीज़ है? 4R यानी कि 4R। 4R क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब क्या हुआ इन चीज़ों का? रिड्यूस मतलब रिड्यूस कम करना। हम जो पदार्थ मिट्टी में गलते सड़ते नहीं हैं उनका हम कम से कम यूज़ करना प्रारंभ करें।
जिसकी आवश्यकता नहीं है वो चीज़ ना लें। इसके अलावा हम मना करना, यानी कि हम ऐसी चीज़ों को मना कर सकते हैं जो उपयोग नहीं है। जैसे कि हम अगर सब्जी लेने जाएं तो अगर हम अपने साथ अपने कपड़े का बना हुआ थैला ले जाएं तो हमें पॉलीथीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कम से कम हमने एक पॉलीथीन उस जगह कम की वातावरण को नुकसान करने की। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को लेकर ना जाएं जो जिसके अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कपड़े का थैला हमारे पास मौजूद है। दूसरा था रीयूज, उसको पुनः प्रयोग कर लेना। कई सारी पुरानी चीज़ें होती हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पेन होता है तो कई बार हम क्या करते हैं, पेन की निब ख़त्म हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, जबकि हम उस जगह निब डालकर उसी पेन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों का जिनका यूज़ हो सकता है उनका दोबारा यूज़ कर लें। इन्होंने कहा है जैसे कि पुरानी बाल्टियाँ हैं, इनके टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले का रूप दे सकते हैं। तो इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह हम पुरानी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पुनर्चक्रित करना, पुनर्चक्रित मीन्स रिसाइकिल। रिसाइकिलिंग आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में आते हैं कबाड़ी, वो कबाड़ी क्या करते हैं, पुराने अपशिष्ट पदार्थों को ले जाते हैं और उन अपशिष्ट पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को जो हम देखते हैं कि वातावरण के लिए नुकसानदायक है तो हम कबाड़ी को दे सकते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को रिसाइकिल हो जाए। तो 4R महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। 4R क्या है, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कम करना, मना करना, पुनः करना और पुनः चक्रित करना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 4R क्या है यह प्रश्न में पूछा भी है, तो 4R हम जानते हैं। उसके अलावा अध्याय 4 को देखते हैं, हमारा भोजन महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं। भोजन हमारे शरीर को चलाने के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है और हमारा ईंधन पेट्रोल डीजल नहीं है बल्कि भोजन है। तो भोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। क्या भोजन किस काम में आता है, देखिए ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान कर पाएंगे, जिससे हम कार्य कर सकते हैं। शरीर की वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन दिया जाता है जिससे कि उनकी लंबाई अच्छी तरह बढ़ जाए, उनके शरीर का विकास हो जाए। और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं वो हैं विटामिन और खनिज लवण। ये रोगों से हमारे लिए रक्षा करते हैं। देखिए किसी भी भोजन में ये तीनों ही प्रकार के पदार्थों का होना आवश्यक है, और ये जो तीनों प्रकार के अगर पदार्थ हमारे भोजन में उपलब्ध होंगे तो हम उसे संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें हमारे लिए ऊर्जा देने वाला पदार्थ भी हो, जिसमें हमारी वृद्धि करने वाला भी हो और साथ में रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले भी पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन वृद्धि करती है और विटामिन और खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए उपयोगी नहीं है। यहाँ देखिए भोजन के स्रोत क्या है। भोजन के दो प्रकार के स्रोत हैं, या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया हो, जंतुओं से प्राप्त किया हो। जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त किया जाते हैं, अंडा प्राप्त किया जाता है आपका, दूध प्राप्त किया जाता है, मांस और मछली, ये वो पदार्थ हैं जो जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। और पेड़ पौधों से कौन कौन से मिलते हैं आपके, अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियाँ मिलती हैं और फल मिलते हैं। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले हैं ये, जानवरों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पहली पूछी इन्होंने, तो पहली हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, इसका अध्ययन नहीं करेंगे हम, और यहाँ भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए दूध अवश्य पीना चाहिए, दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भोजन भी ना कर रहा हो तो दूध के सेवन से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। ठीक, दूध एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खेत से बाजार तक, यानी कि कैसे हमारा कृषि होती है उसको एक चैप्टर के माध्यम से समझाना शुरू करा है, खेत से बाजार तक। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि नर्सरी तैयार की जाती है, सबसे पहले किसी फसल की नर्सरी तैयार की जाती है छोटे से क्षेत्र में, और फिर जो नर्सरी से प्राप्त पौधे हैं उनको अलग अलग बोया जाता है, यानी कि निराई गुड़ाई उनकी की जाती है। उसके बाद
जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को काटा जाता है, निकाला जाता है। फिर जब निकल जाती है तो उसको खेत से मंडी तक पहुंचाते हैं और मंडी में वो बिक जाती है हमारी फसल। इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। थ्रेशर मशीन की मदद से हम गेहूं को निकालते हैं, उसकी बालियों से बीजों को अलग किया जाता है और गेहूं और पुआल मिलते हैं। पुआल वो होता है जो हमारे जानवर खाते हैं, भूस भूसा जिसको कहते हैं वो पुआल होता है। साथ में गेहूं हमें हमारे भोजन के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण जीव जंतुओं की उपयोगिता। तो जीव जंतुओं की उपयोगिता हम देखते हैं कि क्या है। कई सारे जीव जंतु भी हमारे लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे मीठा शहद, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो शहद को प्रदान करने वाला कौन है? मधुमक्खी है। ये छत्ते में रहती है और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कोई कार्य नहीं करती। इसका कार्य सिर्फ प्रजनन करना होता है। इसके अलावा अंडे देने का कार्य करती है ये कार्य। इसका जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है, यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जीवन काल 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, कुछ मादा। छत्ता बना श्रमिक मधुमक्खियां भी होती हैं। नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के पास रहते हैं और जो मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं वो सारा कार्य करती हैं। यानी कि श्रमिक जो मधुमक्खियां होती हैं वही सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना और रस एकत्र करना, और रस से फिर शहद बनाना और अंडों की देखभाल करना। ये सारा का सारा कार्य जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। इनकी जो संख्या होती है वो सर्वाधिक संख्या श्रमिक मधुमक्खियों की ही होती है और उनका जीवन काल जो होता है वो 40 से 45 दिन का होता है श्रमिक मधुमक्खियों का। एक रानी मधुमक्खी होगी, कुछ नर मधुमक्खियां होंगी, बाकी श्रमिक मधुमक्खियां होंगी जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जो रानी मधुमक्खी होगी उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक, ये शेप दिखाई है उन्होंने नर मधुमक्खी की और ये श्रमिक है, तो इस तरह इन्होंने इसको दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने लिखा है कि मधुमक्खी की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ये कुछ समूह में रहने वाले जीव हैं जिनमें मधुमक्खी हुई, चींटियां हुई, दीमक हुई, ततैया हुआ, ये सब लोग समूह में रहते हैं, एक ही घर परिवार बनाकर रहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण यहां पर आता है कि मधुमक्खी का जो पालन कहलाता है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है वो एपिकल्चर कहलाता है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मधुमक्खी का पालन एपिकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम के कीट का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है और मछली का पालन करना पिसिकल्चर कहलाता है। एपिकल्चर मधुमक्खी का पालन करना कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीट का पालन करना, और मछली का पालन कहलाता है पीसीकल्चर। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, दुनिया में मशहूर पाशमीना। पाशमीना क्या होती है? पाशमीना शालें बहुत गर्म होती हैं, मोटी नहीं होती हैं, लेकिन ये पाशमीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। पाशमीना क्या होती है? एक पहाड़ी बकरी होती है, उसकी ही खाल से, उसकी एक खास किस्म है, उसकी जो उसके जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उसकी मदद से ये बनती है पाशमीना। पाशमीना यानी कि बहुत गर्म होती है, पतली होती है और लेकिन गर्म बहुत होती है। बहुत से जानवर परिवहन और कृषि कार्य भी हेतु होते हैं, जिसमें ऊंट, घोड़ा, गधा, ये बैल, बैल से हम कृषि कार्य करते हैं। ऊंट यातायात के काम में भी आता है, परिवहन के काम में भी आता है और कृषि कार्य में भी आता है। तो विभिन्न जानवरों से हमने विभिन्न तरह के क्या क्या चीज प्राप्त हो सकती है वो हमने इसमें पढ़ा। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? तो सबसे पहला जो जानवर पाला था वो था कुत्ता। कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता है।
इसका तो हमने गाना भी सुना है, कबूतर जा 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 कबूतर जा। तो वो कबूतर को भेजते हैं संदेश वाहक के रूप में। तो हजारों वर्षों से कबूतरों का उपयोग संदेश वाहकों के रूप में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कबूतर अपना मार्ग नहीं भूलते, जिस मार्ग को एक बार देख लेंगे तो उसी मार्ग पर पहुँच जाएंगे और लौट कर भी आसानी से आ जाएंगे। और मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जो पशु था वो था कुत्ता। तो इन दोनों नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले मनुष्य ने किसको पाला, उसको सबसे पहले कुत्ते को पाला था। सही है, विभिन्न जानवरों से हमें ईंधन और खाद भी प्राप्त होता है। जैसे गोबर होता है, गोबर से हमारे लिए कंडे बनते हैं, ईंधन के रूप में कहा जाता है, और गोबर को सड़ा दिया जाए तो खाद के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग बेल्ट, जूता, बैग आदि बनाने में किया जाता है। केचुआ जो होता है वो भूमि के अंदर रहता है, भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि किस जानवर को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ के लिए कहा जाता है। केचुआ क्या होता है, मिट्टी को खाता है और अपने मल के रूप में मिट्टी निकालता है। तो जो मल के रूप में मिट्टी निकलती है वो भुरभुरी सी होती है, उसमें पानी को जो शोषण करने की क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है। तो पानी को ज़्यादा शोषण कर लेगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। तो केचुआ मदद करता है हमारे लिए, विभिन्न प्रकार के खेती में उपयोगी होता है। जंतुओं में अनुकूलन, जंतु हमारे जो परिवेश में रहते हैं वो अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे जाड़े पड़ते हैं, आपने किसी भी जानवर को कभी भी कपड़े पहने नहीं देखा, जबकि हम लोगों को कितनी ठंड लगती है। तो उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो शरीर होता है वो वातावरण के अनुकूलित हो जाता है, उन्हें उतनी गर्मी या ठंड नहीं लगती जितनी कि हम लोगों को लगती है, क्योंकि हम लोग वातावरण के प्रति अनुकूलित होना नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के जानवर हैं। थलचर जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली आदि। जलचर जो पानी में पाए जाते हैं जैसे मछली। नवचर जो हवा में उड़ते हैं, जंतु आकाश में उड़ते हैं जैसे कौआ, गौरैया, चील आदि। उभयचर ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जंतु जल थल दोनों स्थानों पर रहते हैं जैसे कछुआ है, मेंढक है। ये लोग पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। अब जल में रहने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें जलीय जंतु कहा जाता है, जैसे मछली, ऑक्टोपस आदि। अब मछली के शरीर को देखते हैं। मछली का शरीर जो होता है वो नाप के आकार का होता है। देखिए, उसे पानी में रहना है तो उसे वहाँ पर ट्रेवल भी करना है, घूमना फिरना भी है, तो उसका शरीर नाप के आकार का होता है। ये नाप के आकार का होता है। नाप के आकार का होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि ये आसानी से पानी के अंदर भ्रमण कर सकता है। देखिए, इस तरह जब प्रवेश करेगा तो पानी इस तरह इसके ऊपर होकर यहाँ निकल जाएगा, ऐसे ही नीचे की तरफ। इसी शेप में हमारा हवाई जहाज भी बना हुआ होता है। इसी शेप में हमारा क्या बना होता है, हवाई जहाज भी बना हुआ होता है, क्योंकि वो चीरता हुआ चलता है हवा के लिए और मछली चीरती हुई चलती है पानी के लिए, इसलिए इसकी शेप नुकीली बनाई जाती है, नाप की तरह बनाई जाती है। इसका धारा रेखित शरीर होता है जो तैरने में सहायक होता है। ये मैंने बताया, इसमें धाराएं बनी होती हैं इस तरह, और वो पानी के लिए नालियों का रूप कर दे देती हैं। इनके बीचों से पानी नाली के रूप की बनने की वजह से इजिली यहाँ से पीछे की तरफ निकल जाता है, वो इनके लिए मार्ग में बाधक नहीं बनता। अगर मान लीजिए ये रेखाएँ इस तरह बनी हुई होती तो ये पानी के मार्ग में बाधक बनती, और बाधक बनने की वजह से मछली ईजिली तैर नहीं पाती। ठीक है, मछली के शरीर पर पंख होते हैं, इनकी सहायता से ये तैरती है। ठीक है, मछली के जो पंख होते हैं उसकी सहायता से तैरती है। मछली की पूंछ और पंख पंख पतवार की तरह कार्य करते हैं, तो दिशा देने के काम करती है मछली की पूंछ। अगर उसको अपनी दिशा परिवर्तित करनी है मछली को, तो वो अपनी पूंछ की मदद से इसको कर दिया। हवाई जहाज भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हमारे जीव जंतु हवा में उड़ते हैं वे भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मछली बार बार अपना मुंह खोलती और बंद क्यों करती है, इसका कारण क्या है। तो ये मछली के मुंह में जल प्रवेश करता है और गल फफड़ों से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गल फफड़े सोख लेते हैं, इस तरह मछली शोषण करती है। मछली क्या समझ में आया कि मछली अपना मुंह बार बार खोलती और बंद करती है, क्या करती है, पानी को अपने शरीर के अंदर रहती है, और पानी को पानी जाता है इसके गलफड़ों में। गलफड़ों में जाकर क्या होता है, उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसको ये अवशोषित कर लेता है और बाकी पानी को बाहर निकाल देता है। भाई, ऑक्सीजन इसको शोषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि किसी को भी सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मछली इस तरह अपने गलफड़ों की मदद से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाती। यही कारण है क्योंकि गलफड़ों में पानी नहीं पहुंच पाता और ये पानी से मिलने वाले ऑक्सीजन का ही प्रयोग करती है अपने शोषण के लिए। तो पानी नहीं मिल पाएगा तो शोषण ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और शोषण नहीं कर पाएगी। इसी तरह मेंढक और बत्तख के पैरों को देखो, इनके बीच की जो उंगलियां होती हैं वो पदजाल होती हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये इस तरह इनका एक पैर होता है। ये पैर इनको दलदली जमीन पर चलने के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है, साथ में पानी में तैरने के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि पानी के आसपास की जो भूमि होती है वो दलदली होती है और उस वक्त इसका यूज़ करते हैं। साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा दो, अगर एरिया बढ़ा दो तो एरिया बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है। पूरा इसका जो बॉडी का वजन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर ना जाकर एक लंबे से क्षेत्रफल पर पड़ता है, जिससे इसके पैर जमीन पर नहीं दब पाते हैं। इसका साइंस में यूज़ है कि हम जब रेगिस्तान में चलते हैं, रेगिस्तान में देखिए ऊँटों के पेड़ देखिए वो भी कुछ इस टाइप से ही होते हैं, साथ में जब रेगिस्तान में चलते हैं तो हम टायरों की हवा कम रखते हैं, जिससे कि टायर फैल जाते हैं और उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वह एक पॉइंट पर फोर्स नहीं लगता और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे क्षेत्रफल पर। ठीक है, स्थल में रहने वाले जंतु जो सिर्फ स्थल पर रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसमें लिखा है मैदानी भाग में रहने वाले जंतु, मैदानी भाग जैसे हम लोगों का मैदानी भाग है, वहां देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार के जंतु रहते हैं। शेर रहता है, शेर के बारे में लिखा है कि जो हिरण जैसे जानवरों का शिकार करता है। शेर का मटमैला रंग उसे घास के मैदान में छिपने में मदद करता है। चेहरे के सामने उसे बंद में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करते हैं। उसके अगले पैर व नख लंबे नाखून नुकीले होते हैं, इससे उसे अपना शिकार पकड़ने में मदद मिलती है। देखिए शेर के बारे में उन्होंने बताया कि इसका रंग मटमैला होता है तो घास में छुप जाता है, आंखें सामने की तरफ होती हैं तो दूर तक देख पाती हैं, और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि उसके पैर के जो नाखून होते हैं वो नुकीले होते हैं, जिससे कि अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। हिरण है, हिरण क्या है, एक शाकाहारी जीव है, तो पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांतों का इसकी यूज होता है। इसके लंबे कान तथा शरीर के बगल में स्थित आंखें उसे खतरों की जानकारी देती हैं। देखिए सेंस करता है ये अपने कानों से और अपनी आंखों से, और उसके जो पैर होते हैं, लंबे पैर होते हैं, ये तेज गति प्रदान करते हैं, शिकारी से दूर भागने का कार्य करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका कई कारण है कि ऊंट रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है। एक तो इसके पैर जो होते हैं वो मैंने बताया कि गत्ते नुमा होते हैं, जिसकी वजह से ये रेतीली जगह पर भी इजीली चल सकती है। गाय का देखिए पैर खुर होता है, ये रेगिस्तानी जगह में नहीं चल सकती, इसका पैर उसमें गड़ जाएगा, लेकिन ऊंट का पैर नहीं गड़ पाता क्योंकि ये गद्दी नुमा होती है। साथ में वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, भोजन की कमी होती है, तो ऊंट संग्रह कर लेता है अपनी पीठ पर। देखिए कुंवर सा जो दिखाई दे रहा है, ये जो कुंवर सा दिखाई दे रहा है ये ही इसमें शेव कर लेता है, ये संरक्षित कर लेता है अपने भोजन पानी के लिए और इसका यूज़ करता रहता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सर्व मकड़ियाँ, चूहे, कीट आदि पत्थरों के नीचे छोटे छोटे छिद्र और दरारों में रहते हैं। इन जंतु में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। इन जानवरों की जो त्वचा होती है वो मोटी होती है और वो पानी के ह्रास को रोकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। पर्वतीय क्षेत्रों के आपने जंतु देखेंगे, इन लोगों के जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। देखिए ये बाल देखिए, आप चित्र देख लीजिए, इसमें बाल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्हें ठंड महसूस ना हो, ठंडे वातावरण में वो रह सकते हैं। उड़ने वाले जंतु के बारे में देखते हैं, पक्षी के बारे में, प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं, उसे उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ ने उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ उसको, क्योंकि इनकी जो पूंछ होती है वो दिशा बदलने में, उड़ते समय अगर इन्हें दिशा बदलनी हो तो पूंछ इन्हें सहायता करेगी, साथ में नीचे उतरने में भी और ऊपर उड़ने में भी इनको मदद करती है। साथ में इनका जो ऊपर उड़ना, इनका वजन हल्का होना चाहिए, तो इनकी हड्डी जो होती हैं वो हल्की और खोखली होती हैं, यानी कि उड़ने वाले जीवों की जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की और खोखली होती हैं, और शरीर की आकृति धारा रेखित होती है। वही बात आ गई जो हमने मछली में पढ़ा था, ये जो हमने मछली में पढ़ा था, इसकी जो रेखा होती है, धारा रेखित होता है शरीर, बिल्कुल वही यहाँ पर भी
आपको पक्षियों में भी मिलेगा, धारा रेखित होती है इसकी। घोंसलों से पक्षियों की पहचान, घोंसलों से कैसे पक्षियों की पहचान होती है, ठीक है। ये कुछ इन्होंने घोंसले बना के दिखाए तो हमारे लिए इसके लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं हम, इसको आप मिला कर देखिएगा, अनुकूलन हमने पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पौधों के भाग एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलेंगे। पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। सबसे पहले आती है जड़, ये जो आपको जमीन के अंदर दिखाई दे रही है ये जड़ कहलाती है। जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है, इसकी सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं जिन्हें मूल रोम कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है, जड़ों में पाए जाते हैं मूल रोम। जड़ें क्या होती हैं, पौधों की नींव होती हैं। हम किसी भूमि से मिट्टी को बाहर निकालते तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ जो कि मिट्टी के नीचे रहती है पौधों को मजबूती जमाए रखती है। मूल रोम द्वारा ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। जड़ क्या करती है, जड़ उसको एक आधार देती है, साथ में जिसको भी मूल रोम होते हैं वह पानी और खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं। इसके क्या कर रहे हैं, ये जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, साथ में जड़ पौधों को भूमि में जमाए रखती है। जितनी जब मजबूत जड़ होगी उतना ही मजबूत पौधा कहलाएगा, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट कराया इन्होंने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनी प्लांट पौधों में तना कोमल और लचीला होता है, इसको सहारा देने के लिए तने से अनेक स्थानों पर जड़ें निकलती हैं जो इसे ऊपर चढ़ने में सहारा देती है। आपने देखा होगा मनी प्लांट के पौधों में, एक मनी प्लांट का पौधा है, मान लीजिए ये मनी प्लांट का पौधा है, तो इसमें बहुत सारी इस तरह जड़ें निकली हुई होती हैं। यहाँ ऐसे करके ड्रॉ नहीं हो पा रहा, यहाँ पर इस तरह जड़ें निकली हुई होती हैं बहुत सारी जो इसको सहारा देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तना, तना क्या, तना जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है, तना जो होता है वो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है। तने से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं पर क्या होता है, पत्तियां फूल फल लगे होते हैं। जड़ों का कार्य क्या है, तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है, पौधों की शाखाओं को सहारा प्रदान करता है, जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और पोषक तत्वों को उसको अन्य भागों तक पहुँचाता है, और साथ में पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो तना के चार कार्य यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इन्होंने आवर्धक लेंस की मदद से तने को काट कर दिखाने का प्रयास किया है कि छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, ये नलिकाएं रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तने में दिखाई देती हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। ये जो एक पाइप की तरह होते हैं छोटे छोटे, ये दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ये क्या करते हैं, पानी और पोषक तत्वों को ऊपर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। पत्तियाँ, देखिए कुछ लिखा हुआ है, कुछ पौधों से तने से निकली शाखाएं भूमि के अंदर धस जाती हैं, भोजन संचित कर ये शाखाएं सिरों पर फूल जाती हैं, इन्हें भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं और भोजन को एकत्रण करते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि आलू क्या है, आलू जमीन के अंदर है तो लोग इसको जड़ समझते हैं, जबकि आलू तना है, अदरक तना है, अदरक तना है, हल्दी तना है, इसको नोट कर लीजिएगा, आलू तना है, अदरक तना है, हल्दी तना है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये सब तना है, जड़ नहीं है। पत्ती, तो भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भागों में पत्ती होती है, इनमें क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, और जो हरा होता है उसका कारण है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की नामक वर्णक की वजह से इनका रंग हरा होता है। नोट कर लीजिएगा, पर्णहरित या क्लोरोफिल की मदद से इनका रंग हरा होता है। पत्ती का हरा चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है, इसकी दो सतह होती हैं, ऊपरी तथा निचली सतह, इन सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें पर्णरंध्र कहा जाता है। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, इन्हीं के माध्यम से पत्तियां अपने सभी कार्य करती हैं। देखिए छिद्र होते हैं, ये छिद्र दिखाए गए हैं पत्तियों के नीचे की तरफ, पर्णरंध्र कहलाते हैं, इनके माध्यम से ही वो गैसों का आदान प्रदान करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को निकालती हैं। तो पत्तियों के कार्य हुए, पत्तियों के कार्य हुआ प्रकाश संश्लेषण,
बाष्पोत्सर्जन और श्वसन क्रिया, ये तीनों कार्य पत्तियों के ही होते हैं या पत्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं, रसोई घर कहलाती हैं। और पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, जल होना आवश्यक है और क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों पर हरा होना आवश्यक है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से मिलती है, उन सबकी सहायता से पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं। और तनों की सहायता से ये विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। भोजन बनाने की ये जो विधि है इसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह क्रिया केवल दिन में होती है क्योंकि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश दिन में ही होता है, इसलिए ये क्रिया केवल दिन में ही होती है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं, इसका कैसे, देखिए हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अंदर लेते हैं और बदले में इसको ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और उस ऑक्सीजन का यूज हम अपने जीवन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या कहता है कि पत्तियों की मदद से जल वाष्प की को बाहर निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। जड़ से जो अवशोषित हुआ है जल, वो पत्तियों से जो अतिरिक्त जो है, जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, अतिरिक्त है, वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये क्रिया पररंध्रों के माध्यम से होती है। देखिए पररंध्र ये दिखाए गए आपको, इसकी सहायता से ये होती है, पररंध्रों की सहायता से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, ये इन्होंने दिखाया कि जो पॉलीथिन आप लगा दीजिएगा तो उसमें आपको जल वाष्प मिल जाएगा। जल वाष्प यानी कि जो पत्तियों के पररंध्रों की मदद से निकला है। श्वसन, पौधे भी सांस लेते हैं, सांस लेने की इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये क्रिया दिन रात होती रहती है। देखिए इस चीज को क्रिया समझिए कि पेड़ पौधे में शोषण की क्रिया भी चलती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी चलती है। शोषण की क्रिया में वो ऑक्सीजन ही लेते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकालते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, लेकिन शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो दिन रात होती रहती है। तभी तो आप लोगों ने कहता था सुना होगा कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोते हैं, क्यों, वो ये कहते हैं कि रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, बल्कि ये सच नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो दिन या रात दोनों समय निकालते हैं श्वसन की क्रिया में, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलती है। इसलिए रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फूल, फल एवं बीज। फूल पौधों का सबसे सुंदर आकर्षक भाग होता है, अनेक इसके कई भाग होते हैं। देखिए बाह्य दल, बाह्य दल फूल के सबसे बाहर की हरी पंखुड़ियों को बाह्य दल कहते हैं। जो नीचे की तरफ होता है, आपने गुलाब का पौधा देखा होगा उसमें नीचे की तरफ हरा हरा सा भाग होता है, उसको बाह्य दल कहते हैं। ये फूल के अन्य भागों की रक्षा करता है। उसके बाद कहता है दल, फूल की रंगीन पंखुड़ियों को दल कहते हैं। ये आपके दल या पंखुड़ी है, सबसे सुंदर होता है। पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है, फूल की पंखुड़ियां दल के बीच में कुछ लंबी लंबी पतली रचनाएं होती हैं, इसका ऊपरी सिरा थोड़ा सा फूला होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। देखिए ये निकला हुआ होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। ये इसके बाद होता है स्त्री केसर, फूल के ठीक मध्य में एक भाग होता है, कीप जैसी संरचना होती है, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। तो पुंकेसर और ये स्त्री केसर इसके भाग हैं। तो चार भाग हैं इसके, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। फूलों से ही फल बनते हैं। आम की खेती करने वाला किसान खुश हो जाता है जब उस पर ढेर सारे बोरे दिखाई देते हैं। ठीक है, पौधों में अनुकूलन, पौधे भी समय वातावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे कमल का पौधा जल में कैसे रह पाता है, नागफनी के पौधे
कैसे छोटे बड़े होते हैं, तो ये सब कुछ अनुकूलन की वजह से होता है। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता या वृद्धि करता है उसे वास स्थान कहलाता है। अलग स्थानों पर उगने वाले पौधों की रचना भी अलग अलग होती है, ठीक है। जड़ पता पत्तियों की संरचना भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये सब हमारे पौधों के बारे में कुछ है। जलीय पौधे, जलीय पौधे जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। इनके तने लंबे पतले मुलायम व हल्के होते हैं। लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें फूलों को ऊपर की तरफ निकालना होता है, इसलिए वो लंबे होते हैं। और पतले हल्के होते हैं और इनमें वायु भरी होती है, जो इनका तना होता है उसमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण ये हल्के व मुलायम होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां हरी और चपटी होती हैं। इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, जिस कारण इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण ये कि जल में रहने वाले पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो मोम जैसी होती हैं, जिसके कारण से इन पर पानी रुकता नहीं है और ये सड़ती नहीं है। अगर ये पानी इन पर रुक जाएगा तो ये सड़ जाएंगी, तो इन पर पानी नहीं रुकता और ये सड़ती नहीं है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे वो पौधे होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। जैसे आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, इनमें पानी की कमी होती है। तो इनमें अब पत्ती पानी का बाष्पोत्सर्जन किससे होगा, पत्तियों से होगा। तो ये क्या करते हैं कि अपनी पत्तियों को बहुत पतला पतला एक कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाए। तो आपने जो कांटे कांटे से देखे हैं नागफनी में, वे एक्चुअल में आपकी पत्तियाँ होती हैं। और जो इनका जो मोटा भाग देखा आपने फूला फूला, जिनको आप पत्तियां समझते हैं, वो एक्चुअल में इनका तना होता है। लिखा भी है, कटली पत्तियों से बाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत कम हो जाती है। इसका तना हरा चपटा व गूदेदार हो जाता है, जिससे कि पानी और भोजन को संचित कर सके। इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी फैली हुई होती हैं और लंबी लंबी होती हैं, जमीन के अंदर लंबी लंबी होती हैं इनकी जड़ें। वो इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि ये दूर से पानी को खींच सकें, दूर से पानी को खींच सकें, इसलिए इनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं, पतली पतली और लंबी लंबी होती हैं, जिससे कि ये पानी को दूर तक दूर के स्थान से भी खींचकर ला सके, ठीक है। पर्वतीय पौधे, पर्वतीय पौधे देखिए, ये आपको एक शंकु के आकार का दिखाई देता है। शंकु के आकार का, वो इसलिए क्योंकि पर्वतों पर बर्फ गिरती है और बर्फ इन पर गिरने के बाद नीचे की तरफ एक पत्तियों से होते हुए नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसकी वजह से ये इन पर बर्फ का आवरण नहीं बन पाता और ये वातावरण में सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं क्योंकि ये ऐसे मौसम में रहती हैं जहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है, सदाबहार बने रहते हैं, जैसे चीड़, देवदार आदि। इन वृक्षों की आकृति शंकुआकार होती है, इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। देखिए मैंने बताया, इसी संरचना के कारण पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ इन वृक्षों पर रुक नहीं पाती और पेड़ सदैव हरे भरे रहते हैं। तो मैंने इनके बारे में ये बताया। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण, कोई दादी माँ की बगिया कुछ इसमें एक कहानी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। खाद हम बाजार से अंधे खाद जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट भी खरीद सकते हैं। ये खाद रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, ऐसी खाद को रासायनिक खाद कहते हैं। देखिए कि जो खाद होती है जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डाई अमोनियम फास्फेट है, ये सब रासायनिक खाद कहलाती हैं। इसके अलावा जो अनुपयोगी जैविक पदार्थ हैं जो गन्ने और खादों में परिवर्तित होते हैं, इस क्रिया को कंपोजिट कहते हैं, इस क्रिया को कंपोजिट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं, ये मैंने बता दिया कि कौन कौन से पौधे होते हैं, ये सब बता दिया, ठीक ठीक है। फूलों का प्रयोग क्या है, फूलों का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है खुशबू के लिए, तो ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आती है, रंग बनाने में कौन कौन से पौधों का यूज़ किया जाता है। पलाश, गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से रंग बनाए जाते हैं। तो इनको ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पलाश के पौधे बहुत फेमस है। पलाश, पलाश भारत उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है पलाश का पौधा, और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है पलाश के पौधे को,
क्योंकि ये जब खिलता है तो पूरा पूरा जंगल लाल रंग का हो जाता है, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, साथ में ये झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। पलाश का पौधा, गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से भी रंग बनाए जाते हैं। दवाई में काम आता है गुड़हल, गुलाब, कमल, मोंगरा, गेंदा, गेंदा ये सब दवाइयों में काम आता है। खाने में आता है आपका केला, गोभी, महुआ आदि के फूल खाए भी जाते हैं। तो ये फूलों के बारे में था थोड़ा सा। इसके अलावा नेक्स्ट है मेला, कुछ यहाँ से हमें महत्वपूर्ण चीज मिल सकती है, देखते हैं। ये कोई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए मिलती है। मेला और उनके स्थान, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला चार जगह है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चार जगह पर कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन जगह है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला कहाँ है? बिहार का। ये जानवरों के लिए बहुत फेमस है, जानवरों के लिए बहुत फेमस मेला है सोनपुर मेला, बिहार में लगता है। पुष्कर मेला, पुष्कर का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, काफी फेमस मेला है मेरठ का। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। और देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में लगता है। और नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये कि ये कहाँ पर लगता है, पूछा जाता है नौचंदी का मेला कहाँ लगता है। तो चार ऑप्शन हो गया हमारे पास, तो मेरठ में लगता है। चलिए नेक्स्ट है, जल ही जीवन है, जल के बारे में बताया गया है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक, जल के स्रोत क्या है? नदी है, तालाब है, झील है, और हमारी पानी की टंकी जो कि हमारे शहरों में लगी होती है। इसके अलावा भूमिगत जल के लिए निकालने के लिए कुआ है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, इनका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे कोई महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर कुछ निकलता हुआ है कि प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि प्रदूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्रदूषित जल से पीलिया रोग प्रदूषित जल की वजह से होता है, हैजा प्रदूषित जल की वजह से होता है, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, ये जो रोग होते हैं ये प्रदूषित जल की वजह से होते हैं। तो इनमें से प्रश्न आ सकता है कि पीलिया होने का प्रमुख कारण क्या है, तो हम लोग लिख देंगे प्रदूषित जल होता है। तो प्रदूषित जल से ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल को पीने योग्य कैसे बनाया जाए? तो उबाल कर, उबाल कर क्या होता है, उबालने से सभी प्रकार के जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छान कर, पानी को स्वच्छ करने का अन्य तरीका है, पानी को अलग बर्तन में एक साफ कपड़े से छान कर इकट्ठा कर लिया जाता है। परंतु पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना ही आवश्यक है, यानी कीटाणु रहित तो उबालने से ही होगा। देखिए छान कर जो मोटी मोटी चीजें होती हैं वो कर दिया जाता है। साथ में क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन का उपयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुएं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर भी पीने योग्य बनाया जा सकता है। ये पूछा जाता है कि जो पानी की टंकी होती है उसमें कौन सी दवा मिलाई जाती है? लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट मिला दी जाती है, और उसकी मदद से हमारा पानी जो होता है साफ हो जाता है। क्लोरीन मिला देते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, जिसकी वजह से पानी हमारा साफ हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाष्पन और संघनन क्या है? बाष्पन, बाष्पन कहते हैं उबालना, उबालना, और उबलेगा किससे? जब वो तापमान हो, तापमान की मदद से पानी उबलता है। ठीक है, नेक्स्ट है संघनन, संघनन की क्रिया क्या होती है? संघनन कहलाता है कि वायुमंडल में बाष्प ठंडी होकर संघनन होकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
देखिए साइंस का थोड़ा सा नियम है, इसको हम साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि संघनन क्या है और बाष्पन क्या है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक कटोरा ये रखा हुआ है और ये सूरज की गर्मी से देखेंगे अब इसका पानी की मात्रा कम हो जाती है। वो पानी गया कहाँ? वो पानी गया यहाँ से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है और वातावरण में आ जाता है। ठीक, देखिए द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने के कारण वाष्पन अधिक होता है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। देखिए ये सब टेम्परेचर का इफेक्ट है। वर्षा के दिनों में क्या होता है कि वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। आर्द्रता होने के कारण उसको जल की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि शुष्क दिनों में वातावरण को जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वाष्पन अधिक होता है। संघनन की क्रिया है, वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाती है। बड़े पृष्ठ छत पर संघनन अधिक होता है। देखिए ये सब मैं साइंस में डिटेल से समझाऊंगा, यहाँ पर इसकी कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। चलिए, नाना नानी की कहानी है ये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लतिका की डायरी, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती हैं हमारे लिए, देखते हैं। संगम तट कहां पर है? संगम इलाहाबाद में है आपका। अल्फ्रेड पार्क कहां पर है? इलाहाबाद में है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें चंद्रशेखर आजाद की विशाल प्रतिमा लगी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ एवं औषधीय पौधे देखने को मिले। यहाँ पर संग्रहालय और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। देखिए इलाहाबाद की शेयर हो रही है, कोई लतिका है बच्ची ये तय कर रही है। वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, जहाँ पर शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद, वहां पर उनकी एक विशाल प्रतिमा रखी है। तो पूछा प्रश्न पूछा जाता है अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या है, यहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती नदियों का मिलन हो रहा है, यानी कि संगम है यहाँ पर, इसे संगम कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष माघ माह में यहाँ पर मेला लगता है, और प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ का मेला लगता है। यहीं पर सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ किला भी स्थित है। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर संगम है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ माह में मेला लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है, और सम्राट अकबर द्वारा बनाया हुआ यहाँ पर किला स्थित है। अल्फ्रेड पार्क का इलाहाबाद में, जहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आनंद भवन और स्वराज भवन भी इलाहाबाद में है। आनंद भवन और स्वराज भवन भी इलाहाबाद में। आनंद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जन्म स्थान है, और स्वराज भवन भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। गोमती नदी के किनारा लखनऊ बसा है। यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो गोमती नदी के किनारे है, इसको नोट कर लीजिएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर क्या विधानसभा तो होगी, विधान भवन होगा। यहाँ पर इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इसकी कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें देखी। रेजिडेंसी, रेजिडेंसी वो क्षेत्र था जहाँ पर अंग्रेज अपनी सेना रखते थे, अब ये खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है, लेकिन रेजिडेंसी है। रूमी दरवाजा है, छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, भूल भुलैया भी कहते हैं इसे, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, देखिए लिखा हुआ, बड़े इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं। इसे अवध के नवाबों ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? अवध के नवाबों ने बनवाया था, छोटा इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़ा को। चिड़ियाघर है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे लिखा हुआ है। लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? गोमती नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। देखिए बांसुरी जो है मथुरा ब्रज का प्रमुख वाद्य यंत्र है। देखिए ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो बांसुरी बजाया करते थे, तो वो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। ब्रज लोक संगीत में ढोल, मृदंग, झांझ, मजीरा आदि बजाए जाते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कॉन मंदिर की भव्यता विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ की? ब्रज की, यानी कि मथुरा के। कानपुर, कानपुर अपने कारखानों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, काफी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर जो उद्योग है वो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध है। इस तरह पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। कानपुर को 2 जिलों में बांटा गया है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। ठीक है, कानपुर
कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ किसके था? गोमती नदी के, कानपुर गंगा नदी के। यह चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है और IIT कानपुर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। प्रश्न आ सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में, साथ में IIT कानपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ गोरखपुर राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। गोरखपुर कहाँ पर है? राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, गीता प्रेस है, आरोग्य मंदिर है, रामगढ़ गीता वाटिका है आदि प्रमुख है। गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत सारी पुस्तकें छपती हैं, धार्मिक गोरखपुर में है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जो विश्वविद्यालय वे यहाँ पर है। ठीक है, गोरखपुर में चीनी मिलें और यहाँ उर्वरक का कारखाना भी है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, नोट कर लीजिएगा। किसी समय खड़गपुर का हुआ करता था, लेकिन इस वक्त सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का, देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? गोरखपुर का है, नोट कर लीजिएगा। खड़गपुर का पहले हुआ करता था, लेकिन अब उसका स्थान गोरखपुर ने ले लिया है। वाराणसी, वाराणसी लगभग 8 किलोमीटर दूर, सारनाथ में बुद्ध ने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। देखिए, वाराणसी शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थान है एक सारनाथ। सारनाथ स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। प्रश्न आ सकता है, बौद्ध धर्म की सबसे पहले शिक्षा गौतम बुद्ध ने कहाँ दी? तो सारनाथ में दी। ठीक है, और बनारस में आते हैं। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना महामना मदनमोहन मालवीय जी ने की है। नोट कर लीजिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदनमोहन मालवीय जी ने की है। ठीक है, यहाँ सबसे विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद का भी यहाँ पर है। प्रसिद्ध सेनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्ला खां, तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नृतक बिरजू महाराज और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी वाराणसी की विशेष सांस्कृतिक पहचान थी। ये लोग वाराणसी के रहने वाले हैं। कौन कौन? सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां हैं, तबला वादक किशन महाराज हैं, कथक नृतक हैं बिरजू महाराज और ठुमरी गाती हैं गिरिजा देवी जी। ये सब लोग वाराणसी से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी, देखिए आप लोगों को सुना होगा वाराणसी साड़ियाँ, तो वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध नहीं होता है वाराणसी साड़ियाँ। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है, अगर काशी कहा जाए तब भी सेम है और बनारस कहा तब भी सही है। ठीक है, झांसी, झांसी कहाँ है? बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक, झांसी का जो किला है वो मध्य बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये नोट करने लायक चीज है, नोट कर लीजिएगा कि झांसी का किला जो है बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आगरा देखते हैं, आगरा के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, उसको मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। और यहाँ पर जो है बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये प्रसिद्ध चीजें हैं। ठीक है, बनारस की मलैया बहुत फेमस है, बनारस की मलैया, ये दूध से बना व्यंजन होता है। और लखनऊ का मुगलई पराठा बहुत फेमस है, तो लखनऊ की रेवड़ी, मथुरा का पेड़ा, ये बहुत फेमस है। आगरे का पेठा, पंछी पेठा बिकता है, आप लोगों को खूब जानकारी होगी कि आगरा का पेठा बहुत फेमस है। लखनऊ की रेवड़ियाँ बहुत फेमस है, हालांकि रेवड़ियाँ हमारी चदोसी की भी बहुत फेमस है, गजक रेवड़ी, लेकिन लखनऊ की रेवड़ियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है। चलिए, झांसी के बुंदेलखंडी लोक नृत्य है। चलिए, ये कुछ भाषाएं हैं, कुछ इन्होंने मैचिंग करने की है, मैचिंग कीजिएगा और इसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। ताजमहल आपका आगरा में है, IIT कानपुर में है, भूल भुलैया आपका लखनऊ में है, लखनऊ में है, दीनदयाल कानपुर में है, सॉरी
सारनाथ वाराणसी के पास में है, आनंद भवन इलाहाबाद में है, तो ये सब हमारे सब मैचिंग है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है ना, यमुना नदी के किनारे आगरा का ताजमहल है, ये सब। अब बिस्मिल्ला खां अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बनारसी के वादक थे या सेनाई वादक थे, तो हम इन सबको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का है हमारा ये है ना, देखिए ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तर में देखिए क्या ये नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। पड़ोसी राज्यों का नाम देखिए, उत्तर में और क्या चीज देखिए, ये उत्तराखंड है आपका, यहाँ पर ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इस सबको हम नोट कर लेंगे। इधर आपका देखिए बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, ये सब इसके पड़ोसी हैं। देखिए सब लिखा हुआ, नेपाल, उत्तराखंड, इधर हरियाणा, इधर दिल्ली, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर झारखंड है, ये आपका बिहार है, ठीक है, ये सब वो क्षेत्र हैं, ये पूरा बिहार है जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी हैं, ठीक है। मिट्टी का प्रकार है, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भावर उतराई कहलाती है, जो साइंस में पढ़ाऊंगा इसमें भावर उतराई, कृषि में समझाऊंगा कि भावर उतराई होती क्या है, भावर क्षेत्र, उतराई क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर हिमालय से नीचे उतरने वाली कौन कौन सी नदियां थी, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि भाव इस भाग में आकर सीधीमा हो जाता है और अपने द्वारा जो लाई हुई मिट्टी होती है उनको इकट्ठा कर देता है, यानी कि जो नई बनी मिट्टी होती है उसे भावर कहते हैं, जो मिट्टी नई लाई जाती है उसे भावर कहते हैं, और पुरानी जो होती है उसे बांगड़ कहा जाता है, और जो पथरीली जगह होती है जिसमें पत्थर आते हैं वो तराई क्षेत्र कहलाता है। देखिए तराई क्षेत्र में जमीन में नीचे थोड़ी सी ही जमीन पर गहराई में पानी निकलता है, यहाँ हवा में नमी रहती है, ये क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक पतली पट्टी के रूप में फैला है। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ये आपका तराई क्षेत्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। इन वनों में क्या क्या मिलता है, शीशम, साल, साखो, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं, कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियां भी पाई जाती हैं, यहाँ हाथी, बाघ, सुअर, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। गंगा यमुना का मैदान, ये बीच वाला हिस्सा आपका गंगा मधुन गंगा यमुना का मैदान कहलाता है, ये वाला बीच का हिस्सा देखिए। भावर उतराई के दक्षिण में, भावर उतराई का क्षेत्र ये था, इसके दक्षिण में ये वाला भाग आपका क्या है, जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, उपजाऊ बहुत है, और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इधर से इधर की तरफ इसका ढाल है, इससे सारी नदियां इधर की तरफ बहती हैं। चलिए कृषि का अधिक विस्तार हुआ, यहाँ पर मुख्य जो रूप से वृक्ष हैं वो नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलास, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों को पतझड़ वन कहा जाता है। देखिए पतझड़ क्यों कहा जाता है, समझिए जरा पतझड़ का, पतझड़ क्या होता है, एक मौसम में आकर ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह मौसम कौन सा होता है, ये होली के आसपास का समय होता है, और होली के आसपास ये लोग अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पतझड़ का मौसम कहलाता है। ये जो वृक्ष होते हैं पतझड़ वाले, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, ये पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि अब कुछ समय बाद क्या होने वाला है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है जिसमें जल का लेवल, पानी का लेवल, वाटर लेवल नीचा हो जाएगा, उस वक्त इनके लिए पानी की उपलब्धता कम होगी। अगर उस वक्त भी इनके पास पत्तियां रहेंगी जून जुलाई में, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे क्योंकि पानी उपलब्ध है नहीं, बाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा हो रही है, तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। उसको सूखने से बचाने के लिए ये लोग उससे पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जिससे कि इनका जीवन बचा रहे। दक्षिण का पठार, ये यहाँ दक्षिण में ये पूरा पठारी भाग है, यहाँ पर बिंदे की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये ऊंचा भाग होता है, इसे पठार कहते हैं,
ठीक है, विंध्य की पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। ये भारत का पठारी भाग उत्तरी पश्चिम है। ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का कुछ, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, ये यातायात के साधन हैं। देखिए कुछ इन्होंने, हाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए भारत का उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम इसका संचालन करता है, भारत के व्यापार का। साथ में चतुर्भुजी योजना जो थी, सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 है। जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। सबसे लंबा राजमार्ग ये कोलकाता से दिल्ली तक जाता है, और सबसे लंबा उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा राजमार्ग गुजरता है नेशनल हाईवे संख्या 2। जो राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो भारत के, जैसे भारत का अगर हम क्षेत्र बना लें तो पूरा पश्चिम को मिलाने वाली जो रेखा है, तो जिस जगह मिलती है वो झांसी है, वो जगह झांसी में ये मिलती है। पूरब भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो मिलाते हैं वो झांसी में मिलती है, उस जगह झांसी मिलते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, उसका नाम क्या, बाबतपुर एक जगह का नाम है वाराणसी के पास में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है, याद कर लेगा ये महत्वपूर्ण है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है, वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी है लखनऊ में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा में है, और बमरोली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। ये कुछ हवाई अड्डों के नाम है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर में है, चौधरी चरण सिंह अड्डा अमौसी लखनऊ में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई मार्ग हवाई अड्डा जो आगरा में है, और बमरोली हवाई अड्डा इलाहाबाद में। इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, इसे जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। देखिए जलमार्ग भी गुजरता है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी कहा जाता है। जो एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, और इसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद जो है लखीमपुर खीरी है, तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद है। इलाहाबाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इस जगह कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो इलाहाबाद में होती है, सर्वाधिक वर्षा इलाहाबाद में, और सर्वाधिक सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे दूर का क्षेत्र है, जब मैं इसको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने ज्योग्राफी में समझा रखा है कि किस तरह यहाँ पर जल राशियाँ जाती हैं और वो वर्षा करती हैं। तो सर्वाधिक वर्षा इलाहाबाद में होती है, और सबसे सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वशासन, भारत में 29 राज्य क्षेत्र 7 केंद्र शासित है, उसमें ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं, जो प्रधानी के चुनाव होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं। इसके सदस्यों में प्रधान का चुनाव गांव के जनता चुनती है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु के चाहिए ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है, इसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। आपने सुना होगा ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख क्या होता है, कई सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। जिला पंचायत, जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है, और इसका जो मुखिया होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है, और पूरे जिले के कार्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य को देखता है ये जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा नगर पंचायत छोटे नगरों की व्यवस्था को देखने की नगर पंचायत का गठन किया जाता है, हालांकि ये सब पॉलिटी का हिस्सा है, उसमें ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नगर पालिका परिषद इससे कुछ बड़े जो नगर होते हैं उनकी रक्षा के लिए, और नगर निगम बड़े क्षेत्रों की जनता के लिए होते हैं। इसको जो नगर पालिका या नगर पालिका पंचायत होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, और जो नगर निगम होता है उसे महापौर या मेयर कहा जाता है। ठीक है, महापौर या उसे मेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन हमारा जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी होता है वो देखता है।
तो इसमें पुलिस अधीक्षक होता है एसएसपी, एसएसपी देखता है जिले की कानून व्यवस्था, जिला न्यायाधीश होता है जो विवादों को निपटारा करता है, न्याय प्रदान करता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य के संबंधित चीजें देखता है, विकास अधिकारी विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए काम आता है, जिला विद्यालय निगम डीआईओएस होता है, वो विद्यालय माध्यमिक के विद्यालयों की देखभाल करता है, और जिला विद्यालय निरीक्षक बीएसए होता है, वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को देखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का शासन प्रबंध, ये कि प्रदेश भर में कैसे होता है, वोटिंग होती है, 18 साल से अधिक की उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है। विधानसभा के 433 स्थान हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, 403 स्थानों में से 223 स्थान पर एक ही दल के उम्मीदवार को मिले तब वो विजयी घोषित होगा। जीते हुए उम्मीदवारों को एमएलए कहा जाता है। ठीक है, साथ में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल चाहे तो एक एग्लो इंडियन को शामिल कर सकता है सदस्य विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में जो सदस्य बने उनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी आवश्यक है। विधान परिषद का चुनाव अलग प्रकार से होता है, कुछ कुछ सदस्यों का चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, कुछ का शिक्षक करते हैं, कुछ का चयन स्नातक परीक्षा पास लोग करते हैं, तो इस तरह इन सबको सदस्यों को एमएलसी या विधायक कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन कहलाता है। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ है जो लखनऊ में है। ठीक है, व्यवस्था भी का जो होती है ये कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका का कानून को लागू करती है और न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। चलिए दोस्त, ये कहानी है। तो इस तरह हमने कक्षा 4 का हमारा परिवेश देखा और हमारा परिवेश के माध्यम से हमने इस पूरे अध्याय का पूरी पुस्तक का अध्ययन किया। छोटा सा विस्तार में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबका हमने अध्ययन करा और ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसी के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल पंचऋषि क्लासेस को आप देखते रहिएगा और इसके अलावा एनसीईआरटी की पुस्तक और सारी पुस्तकों का ही विवेचन आपको जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।